वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देखिए जो कल का मोर्चा था इसमें क्या अंतर था? नहीं, अंतर कुछ नहीं था। मुझे मोर्चा करने का था, मेरा मोर्चा लेने का कारण ये था कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितने बड़े बड़े बिल्डर लोग का जो कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम चालू है उसको नोटिस देके कायदे से बंद कराया, ठीक है। जब वो कायदे से बंद हुआ और वो उसका बिल्डर लोग पालन कर रहे थे तो जो मलाड़ पी नॉर्थ में जो पी नॉर्थ बलते हैं जो वार्ड नंबर 32 और 33 जो अवैध बांध काम इतने धड़ल्ले से जोरों से शुरू है तो उसके लिए क्या कायदा कानून नहीं है? और बचा जो मिट्टी की भरनी, वो सीमेंट रेती, इससे जो धूल होता है, धूल का साम्राज्य, मतलब जो मिट्टी की वजह से इसे जो प्रदूषण जो बढ़ रहा था और जिसमें लोगों के श्वास लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, लोगों के जान को धोखा हो रहा था। और अभी बीएमसी वाले देखो रोड पे धूल मिट्टी जम रही थी तो उन लोग पानी मार रहे थे, तो फिर पानी मारने का कारण क्या था? और इस तरह से अवैध बांधकाम जोरों से चल रहा था और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को, माननीय अपने मुंबई कमिश्नर जो इकबाल सिंह चले उनको, अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे जो है हमारे वेस्टर्न सब पश्चिम उपनगर के उनको, डीएमसी जो है बा शंकरवार जोन 4 के अंधेरी के उनको शिकायत करने के बावजूद भी अवैध बांधकाम किसी भी हाल में रुक नहीं रहे। तो हमने ये सोचा जब इतनी शिकायत करने के बाद अगर अवैध बांधकाम रुकता नहीं है तो इसका मतलब ये चीज साफ हो चुकी है कि ये पूरा एक बड़ा रैकेट हो गया है। और ये रैकेट के वजह से मलाड़पी उत्तर विभाग से महीने का बीएमसी का जो कमाई का जरिया है अवैध बांधकाम से, वो आज महीने में करोड़ों रुपया का चंदा जमा हो रहा है। ये मैं नहीं, ये बांधकाम करने वाले स्थानिक लोग इनका बोलना है, और वो भी जो बीएमसी में जो काम करने वाले कर्मचारी है उन लोग में भी कानाफूसी की जा रही है। और इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवैध बांधकाम के साथ साथ आपका एक रोड का भी मुद्दा था और कचरे का भी लेके मुद्दा था और आपने बैनर पे लिखा हुआ था वहाँ के बीएमसी अधिकारियों को ये चोर है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमने जो बीच में जो इससे पहले हमने 16 अक्टूबर को हमने जो मोर्चा लिया था वो मोर्चा हमने लिया था कि जो आजमी नगर में, खास करके आजमी नगर और अम्बोजवाड़ी में जो पानी रात का आता है 12 बजे का, तो वो उसके वजह से आजमी नगर के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी उनको बराबर टाइम पे मिलता नहीं, लोगों को खाना भी कब खावे और जगना पड़ता है, फिर पानी के भरते भरते रात 2:30-3 बज जाता है, तो फिर वो रात का पानी का टाइम और समय वो हमने दिन में करने बोला था। और नहीं अगर होता है 12 बजे तो रात को 10 बजे करें। लेकिन और दूसरी बात, मल्ला मालौनी के अंदर जितने भी रोड बने हैं आप देखिए, सीसी रोड करोड़ों रुपया खर्चा किया है, एक एक टेंडर आप उठा के देखिए, न्यू कलेक्टर कंपाउंड के रोड, ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड के रोड, यहाँ से मौन मेरी जुलेसवाड़ी 6 नंबर का रोड देखिए आप, आरसीसी का, सब रोडों में चीरा खड्डा पड़ा हुआ है। चीरा बोलते हैं ना, दरी, चीरा पड़ गया है, दरार पड़ गई है रोडों के ऊपर। तो मतलब ये साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? पब्लिक की जो दशा है, कचरे नहीं उठाए जा रहे थे, रोडों पे कचरे पड़े हैं, कचरे उठाने की गाड़ी नहीं आ रही है, दस्तक बस्ती योजना है, दस्तक बस्ती योजना में जहाँ 15 आदमी है काम करने वाले एक दस्तक बस्ती में, तो 15 आदमी काम पे नहीं है, वहाँ जगह पे स्पॉट पे 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो दस्तक बस्ती में गटर कैसी साफ होगी, कचरे कैसे ले गए? पहला घर घर में से कचरा उठाया जाता था। सर आपको डिटेन कर लिया गया तो फिर आपको आश्वासन क्या मिला
आपका मुद्दा जो था उसको कोई आश्वासन दिया कि ये पूरा? नहीं, हमको आश्वासन नहीं मिला। हमें पुलिस ने हमारे घर पे रात को पुलिस घुसी थी, सवेरे 6 बजे पुलिस आई थी, फिर पुलिस 10-12 पुलिस थी, फिर सवेरे 9 बजे पुलिस आई थी और फिर 10:30 बजे पुलिस गई थी और हमको पकड़ने के लिए बहुत सोचे, लेकिन किसी भी पुलिस से आखिर हमारी बम्बई की पुलिस बहुत महान है, पकड़ने में एक्सपर्ट है, तो हमको कैसा भी मतलब आदरस से हमको कांदोली से हमको अरेस्ट किया, उठा के ले गए। आपकी मांग को लेकर के आगे क्या प्लान है आपका? आगे मेरा यही प्लान है कि हमने निवेदन पत्र कल छुटके आने के बाद चौकी से हमने वार्ड को एक निवेदन पत्र दिया है और निवेदन पत्र में बोला है कि जो हमारे जिला अध्यक्ष ने कि हमारे जो गिरजाशंकर यादव जी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उनके पत्र में दिया है कि अगर हमने उन्होंने दिए उनके उनके कंप्लेंट के ऊपर उनके पत्र व्यार में जितने भी बांधकाम के हमने उन्होंने कंप्लेंट की है उसको तुरंत तोड़ा जाए और अवैध बांधकाम जो बढ़ रहे हैं उसको रोक लगाई जाए और यही अवैध बांधकाम के वजह से जो आज 33 में जो दलालगिरी हो रही है बीएमसी के अधिकारी के जो दलाल है, कोई एक गरीब आदमी अगर अपना आज घर बनाने जाता है रिपेयरिंग करता है तो आज उसको भी 1,00,000 रुपया दो 80,000 रुपया दो यही चल रहा है, ये धंधा हो गया है। तो गरीब आदमी को अगर किसी के घर में अगर हाइट बढ़ाना है तो पैसा दो, तो उसके लिए कायदा और अमीर लोगों को कायदा नहीं, मतलब गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता है, अमीर आदमी 1,00,000 रुपये देता है करके उसके लिए कायदा नहीं। तो ये सब मांग अगर बांधकाम नहीं रुका तो हमारा अगला स्टेप राजभवन राज्यपाल के राजभवन को घेरेंगे। आपने जब मोर्चा निकाला था तो आपकी काफी लंबी चौड़ी मांग की लिस्ट थी, उस टाइम आपने ये भी कहा था कि अगर मांग भी पूरी नहीं होती तो मैं आत्मदहन करूंगा, तो क्या लगता है कि बीएमसी ने ये ऐसा ठान लिया कि कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना है इस क्षेत्र का? नहीं, मेरा जो पानी का मुद्दा था, जो पहला जो लोकहित के लिए हमने जो मोर्चा निकाला था लोक समस्या को लेके, उसका मोर्चा बाकी है, उसका मोर्चा मैं जल्द ले रहा हूँ, आने वाले समय में हो सकता है कि मैं अधिवेशन के वक्त ही ले लूँ। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमको जो मोर्चा है वो हमको मेट्रो स्टेशन जो है विटी में वहाँ से लेकर आज़ाद मैदान तक हम 800 से 1,000 लोगों को लेके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम मोर्चा वहाँ निकालेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। सर कल जो मोर्चा लिया गया था उसकी परमिशन आपके पास नहीं थी ऐसा सुनने में आया, इसलिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, ऐसी कोई बात थी? नहीं नहीं, हमने हमारे जो जिला अध्यक्ष थे ये मोर्चा उनका था, ये मोर्चा सिरिल डिसोजा जी का नहीं था। अब हमारे जिला अध्यक्ष है गिरजाशंकर यादव जी, अभी उन्होंने मोर्चा लिया तो हर जिले में से चाहे तालुका अध्यक्ष हो चाहे जिला के पदाधिकारी हो उनको सबको वहाँ अवेलेबल रहना है। तो कल इसकी जो परमिशन थी या नहीं थी? नहीं, परमिशन नहीं थी, लेकिन उनको भी 149 की नोटिस दी गई थी और मुझे भी दी गई थी, लेकिन 149 की नोटिस मैंने उस नोटिस पर सही नहीं किया था। लेकिन नहीं, मास्टरमाइंड नहीं था, करना था, मास्टरमाइंड क्या है वो तो सभी लोग थे। लेकिन और भी मोर्चे होते हैं, लेकिन पूरे जोन की पुलिस नहीं लगती थी, लेकिन इस बार पूरे जोन की पुलिस लगा दी गई। क्या अभी वो पुलिस का लुकआउट था, पुलिस डिपार्टमेंट का? मैं पुलिस डिपार्टमेंट के मलाड पुलिस स्टेशन के अडानी साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें सकार्य किया, हमें कोऑपरेट किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ सीनियर साहब का, और ख़ास करके हमारे मालोनी पुलिस स्टेशन के अड़ाव साहब हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद उनको भी देता हूँ। कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता मोर्चा निकालने में कामयाब रहे, आप गिरफ्तार हो चुके थे और आपके सब लीडर गिरफ्तार हो चुके थे, तो कार्यकर्ता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कार्यकर्ता को हमने सब चीज़ में बांट के रखा था, हमने 4 दिन से हम लोगों ने ये सब चीज़ का प्लान किया था कि अगर तुम्हारा अध्यक्ष सिरिल डिसोजा पकड़ा जाता है या उठा के लेके जाते तो मैं ये प्लान मेरा था, बी के लिए हमने दूसरे को तैयार किया था, फिर हमने बी पकड़ा जाएगा तो सी वाले ने काम करने का कार्यक्रम सक्सेस करने का, सी पकड़ा गया तो डी वाले ने करने का, इस तरह से हमने 4-5 लोगों को मेन बना के उनके हाथ के नीचे कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ दिया था। और वो स्पोर्ट्स कार्यकर्ता जिनका नाम अजहरुद्दीन सिद्दीकी है,
उनको कल कितना बजे घर से उठाया गया? नहीं, उनको तो चारकोप तालुका के अध्यक्ष है, उनको मेरे ख्याल से रात को उठाया गया था। किस बेस पे, इसी तालुक हाँ, से या कुछ और? जी, जिले का मोर्चा था ना, उत्तर मुंबई जिले का। क्या कारण है कि बीएमसी ये सब काम नहीं कर रही है, क्योंकि कई लोगों ने मोर्चा निकाला है, समाजवादी ने भी, कांग्रेस ने भी निकाला है, जनता ने भी निकाला है, लेकिन काम नहीं होता, क्या कारण है कि बीएमसी क्यों काम नहीं करना चाहती? अभी ये काम क्यों नहीं करना चाहती, वो हमारे यहाँ के जो खासदार है गोपाल शेट्टी जी, उनको आप पूछिए, लोगों ने उनको चुन के दिया है। हमारे यहाँ के हमारे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई आमदार असलम शेख जी है, आप उनसे पूछिए। अब वो जो एक बड़ा भाई, छोटा भाई दो उधर बैठे हैं, तो उनकी भी तो नीति जवाबदारी है ना, उनसे सवाल कीजिए, वो भी एमसी को पूछेगी बाबा क्यों नहीं काम हो रहा है, उनका अधिकार है, वो अभी प्रेजेंट पोस्ट पर है, एक खासदार है, एक आमदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। आपका जो मिशन है, आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसा सूत्रों से पता चला है कि आप नागपुर जाएंगे अधिवेशन में? नहीं, नागपुर तो बाद में जाएगी ना, अभी तो हमारी लड़ाई बम्बई की तो हो जाने दो।